हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहाँ पे मैं पीयूषी शेयर करती हूँ मेरे एक्सपैट लाइफ एक्सपीरियंसेस। एंड आई डोंट बिलीव, मुझे ऑलरेडी बैंकॉक आए हुए 6 महीने हो चुके हैं। टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला, टाइम कैसे निकल गया, बट आई एम श्योर नाउ आई एम इन अ स्टेट वेयर आई कैन शेयर विद यू ऑल कि अगर आप लोग भी बैंकॉक शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, स्पेसिफिकली किचन एसेंशियल्स और कुछ और भी ज़रूरी चीज़ें जो मैंने यहाँ आके एक्सपीरियंस करी। काश मुझे पहले से पता होती बैंकॉक से आप क्या चीज़ें ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, कैसे आप रेट कंपेयर कर सकते हैं, मैं वो सब चीज़ें भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। सो आई होप आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। एंड उसके साथ में एक थैंक यू नोट टू यू, बिकॉज मुझे रिसेंटली इस टाइप की रिक्वेस्ट ऑलरेडी आने लग गई हैं कि हम यहाँ से क्या लेके आएँ, हम कहाँ रह सकते हैं, स्कूल्स के बारे में, इंडियन कम्युनिटी के बारे में। सो आई एम ट्रूली ब्लेस्ड एंड आई थैंक यू ऑल फॉर ट्रस्टिंग मी। सो यस, बिना टाइम वेस्ट किए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, और मैं अपनी पूरी दुकान यहाँ लगा के बैठी हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी, इंडियन प्रेशर कुकर, बिकॉज मेरे हिसाब से एक इंडियन किचन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट अ प्रेशर कुकर। बट वन थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू ब्रिंग टू योर नोटिस इज़ कि अगर आप वहाँ से प्रेशर कुकर लेके आते हैं तो इंडक्शन कंपैटिबल लेके आइएगा, और ज़रूर वहीं से लेके आइएगा। बिकॉज मैंने यहाँ आने के बाद में जो यहाँ के मेगा स्टोर्स हैं वहाँ पे मैंने चेक किया तो इस टाइप का प्रेशर कुकर वहाँ नहीं मिलता है। डिफरेंट वैरायटी के मिलते हैं बट उनके प्राइसेस आर क्लोज टू 4000 थाई बाट, जो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपये के आसपास हैं, विच इज़ नॉट वर्थ ऑब्वियसली। और अगर हो सके तो एक एक्स्ट्रा रिंग भी अपने साथ ले आना, ज़रूरत पड़ सकती है। सो अब चलते हैं सेकेंड आइटम की तरफ, विच इज़ दिस पैन। ये एक ऐसी, आई होप यू कैन सी, ये एक ऐसी कढ़ाई टाइप है जो मैं अपने साथ लाई थी, बिकॉज इसमें ऐसे इडली के ढोकले के और छोटी इडली के ऐसे जो मोल्ड्स होते हैं वो साथ में इसके आए हैं। आई कैन यूज़ इट टू मेक इडलीज एंड आई कैन अदरवाइज ऑल्सो यूज़ इट फॉर सब्जी या कुछ भी बनाने के लिए। सो ये मल्टीपर्पज़ कढ़ाई है। इस टाइप की कढ़ाई का अमेज़ॉन लिंक मैं आपको दे दूंगी। आई वुड सजेस्ट यू, बिकॉज़ अगर आप लोग हमारी तरह इडली खाने का शौक़ रखते हैं, मेरे यहाँ पे वीक में एक बार दो बार इडली बन जाती है, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, तो इस टाइप की मल्टीपर्पज़ कढ़ाई आपको बहुत हेल्प करेगी। दिस इज़ समथिंग आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब जब हम कढ़ाई की बात कर रहे हैं तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि कढ़ाई यहाँ नहीं मिलती। आई रिकमेंडेड दिस टाइप ऑफ कढ़ाई टू यू बिकॉज इसमें जो मोल्ड्स हैं, और अगर आपको उन मोल्ड्स की ज़रूरत पड़ती है सो यू कैन कंसिडर, बिकॉज इडली स्टैंड यहाँ नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए इंडियन स्टोर्स में एक्स्ट्रा प्राइस देके पे करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई यू कैन कंसिडर दैट टाइप ऑफ कढ़ाई। अदरवाइज जस्ट फॉर योर रेफरेंस, दिस इज़ वन स्मॉल कढ़ाई जो मैंने यहाँ आके आइकिया से ली थी एंड इट कॉस्टेड मी अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 300 थाई बाट, बट इट इज़ गुड। तो ऐसे इस टाइप के नॉन स्टिक पैन्स और इस टाइप की नॉन स्टिक कढ़ाइयाँ यहाँ पे नॉर्मल स्टोर्स पे भी मिल जाएगी। सो इसके लिए बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, ये कन्वीनियंटली यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट जो यूटेंसिल मैं वहाँ से लेके आई थी वो था ये अगेन एक शेलो पैन। मैंने ये इसलिए लिया था, मुझे लग रहा था कि मैं बहुत सुपर स्मार्ट हूँ तो मैंने ही ये इसलिए लिया था कि मैं इसमें चपाती और सब्जी दोनों बन जाती है, एंड इवन आई एम यूजिंग इट फॉर दैट, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा बेस है, बिग बेस, इसमें चपाती से बहुत कंफर्टेबली बनती है। बट ये बहुत हैवी है, इट वाज नॉट माय वाइज डिसीजन कि मैंने इसको वहाँ से परचेज़ किया, बिकॉज यहाँ आने के बाद में मैंने इकिया से एक और सिमिलर टाइप का पैन लिया, ऑल दो क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। दिस वन इज़ वेरी गुड बट दिस इज़ वेरी लाइट वेट, बट अगेन अगर वेट कंस्ट्रेंट नहीं है तो आप वहाँ से ला सकते हैं, बट अदरवाइज इस टाइप के पैन्स यहाँ पे बहुत इजीली स्टोर्स में है। यहाँ जो नेक्स्ट बर्तन है मेरा वो था ये, क्या बोलते हैं आप लोग इसको, हम लोग इसको परात बोलते हैं क्योंकि इसमें हम आटा लगाते हैं ना, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हो आप लोग। ऐसा बड़ा पैन नहीं दिखता है कन्वीनियंटली, सो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ब्रिंग दिस, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि इस बर्तन को आप लोग क्या बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो चीज़ मैं इंडिया से लाई थी वो है ऐसे पैन्स। आई वुड नॉट रिकमेंड यू बिकॉज इनकी जो मेरे पास ही हैं ये वही हैं जो मेरे पास घर पे होते थे, बट इनका जो बेस है ये बहुत थिन होता है, ये इंडक्शन कंपैटिबल नहीं है, इसमें
उसमें दूध चिपकता है, नीचे जल जाता है. सो आई डोंट यूज़ इट एनी मोर. सो इस टाइप के इंडक्शन कंपैटिबल जो यूटेंसिल्स ना हैं उनको नहीं लाइएगा. ये मैंने यहाँ आने के बाद होम प्रो से लिया है, अराउंड 350 और 400 थाई बाट का. सो आप आइडिया लगा सकते हैं कॉस्ट का, बट ये टिपिकल जो चाय बनाने का बर्तन होता है ये. सो अब चाय बनाने की बात हो रही है, सो डोंट फॉरगेट दैट चाय की छलनी, आई थिंक या समथिंग लाइक दिस, इसको लाना मत भूलिएगा. ये मिल जाती है यहाँ पे, बट अगेन अगर आप अपना पूरा सेट पूरा किट लेके आ रहे हैं सो यू कैन ब्रिंग दिस. ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर इंडियन हाउस होल्ड इज दिस. एवरी फीमेल यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पज, बट हाँ ये आपको रोलिंग पिन वहीं से लेके आइएगा, बिकॉज ये मैंने यहाँ के बड़े स्टोर्स पे देखी है, बट फिर वो बहुत बड़ी होती है आई थिंक जो पिज्ज़ा बेस वगैरह बड़े बड़े बेस बनाने के लिए. सो गेट दिस ना बेलन अपने देश से लेके आइए, यहाँ पे आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा. बेलन तो मैंने इंडिया से ले लिया था, लेकिन मुझे इसके साथ का जो चकला होता है, इसका जो बेस होता है, वो वहाँ पे समाव मुझसे वहीं छूट गया. तो यहाँ आने के बाद मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला. सो फाइनली मैंने एक ये पिज़्ज़ा सर्व करने के लिए जो पिज़्ज़ा बोर्ड होता है वो यहाँ से ख़रीदा है. इट इज़ टू बिग, बट ठीक है, मेरा काम इससे हो रहा है. सो ये पूरा सेट आप अपने साथ वहीं से लेके आइएगा. जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो हैं प्लेट्स. सो ये प्लेट्स है कोरेल प्लेट्स, इट इज़ नॉन ब्रेकेबल एंड आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस ब्रांड पर से, बट आई एम सेइंग दैट आप अगर आप ऐसी कुछ नॉन ब्रेकेबल या स्टेनलेस स्टील की प्लेट्स यूज़ करते हैं सो वहीं से ले आइए, बिकॉज यहाँ पे मैंने बहुत ढूंढा आने के बाद भी, तो यहाँ पे स्टोनवेयर मिलता है या मेलामाइन मिलता है, एंड मेलामाइन मैं यूज़ नहीं करती, स्टोनवेयर मैं प्रेफर नहीं करती बिकॉज बच्चे साथ में रहते हैं, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज. नेक्स्ट इज़ अ सेट ऑफ स्पैचुलास. सो सिंस अगर आप नॉन स्टिक यूज़ करेंगे सो आपको उसके साथ में वुडन या फिर सिलिकॉन स्पैचुलास लगेंगे. सो दिस इज़ स्टैंडर्ड, मैंने ये आइकिया से लिया है यहाँ आने के बाद में, ये आइकिया का स्टैंडर्ड डिज़ाइन है. सो ये आई थिंक 70 या 80 थाई बाट का है. सो यू कैन चेक द प्राइसेस, अगर आपको वहाँ पे बेटर रीजनेबल मिल रहा है सो यू कैन ब्रिंग अलॉन्ग, अदरवाइज इस टाइप की चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी. वुडन स्पैचुलास मैंने इंडिया से लिए थे, मुझे वहाँ पे बहुत रीजनेबल मिले थे, यहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल हैं, बट प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा है, 150, 200, 300 थाई बाट तक का वन वुडन स्पैचुला आता है. नेक्स्ट, इफ़ यू आर अ पूड़ी लवर लाइक माई किड्स, ब्रिंग दिस काइंड ऑफ थिंग विद यू. नेक्स्ट कम दिस काइंड ऑफ टॉन्स. सो ऑब्वियसली अगेन हमारे इंडियन किचन की के स्टेपल बर्तन, आपको ये ज़रूर वहाँ से लेके आइएगा. ये सब चीज़ें ढूंढने में अदरवाइज़ बहुत दिक्कत आएगी यहाँ पे, सो ब्रिंग देम अलॉन्ग विद यू. स्पून्स यहाँ पे आराम से मिल जाएंगे, इनिशियल कुछ दिनों के लिए चाहिए 2-4 लेके आ जाइए, अदरवाइज़ वो यहाँ पे आराम से रीजनेबली हर स्टोर पे अवेलेबल है. एंड देन कम्स दिस इज़ वन स्पून जो मैं अपने साथ लाई थी, एंड दिस इज़ वन स्पून जो मैंने यहाँ आके परचेज की थी. आई डोंट नो द प्राइस ऑफ दिस वन बिकॉज मैं ये सालों से यूज़ कर रही हूँ अपने घर पे, बट इसका प्राइस था 79, विच यू कैन से दिस इज़ अराउंड 80 थाई बाट, मतलब 200 रुपये के आसपास तकरीबन ये स्पून मुझे यहाँ पे पड़ा है. आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू सो दैट यू विल गेट एन आइडिया ऑफ द प्राइस. दिस इज़ वन मोर आई वुड रिकमेंड दिस बिकॉज यहाँ पे जो गैस है उसमें फ्लेम नहीं होती, सो चपाती बनाने के लिए ये बहुत यूज़फुल है, और इसीलिए मैंने ये यहाँ के परचेज किया, अदरवाइज देर इज़ नो अदर थिंग आई यूज़ इट फॉर. बट येस, चपाती इसमें बहुत ज़्यादा काम आता है, सो अगर आपको मिल रहा है रीजनेबली वहाँ पे तो आप वहाँ से लीजिए, वरना ये यहाँ पे आपको नॉर्मल स्टोर्स पे मिल. नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे नहीं मिलेगी वो है ये मसाला बॉक्स. यू कैन सी मसाले भरे हुए हैं. सो ये जो अपना मसाला बॉक्स जो होता है किचन के अंदर, उसको ले आइए, यहाँ पे नहीं मिलेगा. इसकी ये मैं लेके आई थी अपने साथ में, बट जो रोटी बॉक्स होता है कैसरोल टाइप या फिर जो भी स्पेसिफिक रोटी का जो बॉक्स आप यूज़ करते हैं, वैसे नॉर्मल गोल बॉक्सेस मुझे नहीं मिल रहे हैं, मेरे पास रोटी बॉक्स नहीं है. सो आपको अगर मिलता है तो आप लेके आइएगा मसाला बॉक्स और रोटी बॉक्स. सो अब हम मसाला बॉक्स की बात कर रहे हैं तो एक छोटा सा और नोट, जो छोटे मसाले आते हैं MDH के, कैच के, या फॉर दैट मैटर जो खड़े मसाले होते हैं, इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, यू कैन इमेजिन ऑल द मसाले जो छोटे छोटे से हमें लगते हैं, बहुत टाइम तक वो चलते हैं, वो ले आइए अपने साथ में, क्योंकि वो यहाँ पे इंडियन स्टोर्स पे मिल जाएंगे बट उनकी प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा हैं, और वो बहुत थोड़े से लगते हैं, बहुत टाइम तक चलते हैं, इसलिए मैं आपको वो रिकमेंड करूँगी. आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू बाय एनी दाल चावल, वो यहाँ पे मिल जाएंगे नॉर्मल लोकल स्टोर्स पे, बट इंडियन मसाले के लिए आपको इंडियन स्टोर पे जाना पड़ेगा और थोड़ा सा ओवर प्राइस देना पड़ेगा. सो वो साथ में ले आइए, थोड़े थोड़े से मैं लेके आई थी, 6 महीने से
ऑलरेडी चल रहे हैं और अभी 6 महीने और चलेंगे, सो वो लेके आइएगा ज़रूर। एक और चीज़ है जो सरप्राइजिंगली यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी है, वो है हैंड ब्लेंडर्स। कुछ हैंड ब्लेंडर्स मैंने यहाँ शुरू में देखे थे 4,000, 5,000, 10,000 थाई बार तक के भी उनके रेंज है। सो आप लोग अगर आते हैं तो हैंड ब्लेंडर ले आइएगा, और हो सके तो मेरे लिए भी ले आइएगा, प्लीज़ आई नीड वन हैंड ब्लेंडर। इसके अलावा किचन में अगर आप कुछ स्पेसिफिक मोल्ड्स यूज़ करते हैं, तो जैसे अपम मोल्ड या फिर गुजिया मोल्ड या नमकीन बनाने के लिए जो मोल्ड्स आते हैं, अगर वो सब चीज़ें आप यूज़ करते हैं तो वो लेके आइए। बाकी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, मैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बड़े बड़े स्टोर्स के लिंक डालूंगी, वहाँ पे जाके आप रेट प्राइस कंपैरिजन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या चीज़ें आपको लानी है, क्या चीज़ें नहीं लानी है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो किचन से बाहर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने यहाँ आके अपने एक्सपीरियंस से ये लिस्ट बनाई है। तो सबसे पहली चीज़ है वो है इंडियन ट्रेडिशनल वेयर। सो प्लीज़ अपने साथ में इंडियन ट्रेडिशनल कपड़े लेके आइए, आप त्यौहार के दिन ज़रूर मिस करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं मिलते, यहाँ पे इंडियन मार्केट है बहुत बड़ा, यहाँ पे ऑनलाइन भी इंडियन कपड़े मिलते हैं, बट चॉइस नहीं मिलती एंड यू विल मिस इट। सो नेक्स्ट थिंग इज़ बेडशीट। सो यहाँ पे जो मेट्रेसेस हैं उनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है और लेंथ एंड ब्रेथ थोड़ी कम होती है, सो आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप बेडशीट बहुत ज़्यादा वहाँ से लेके आएँ। ज़रूरत है तो इनिशियल कुछ दिनों के हिसाब से आप 1-2 पीसेस लेके आएँ, बट बहुत ज़्यादा मत लाइएगा। यहाँ आने के बाद में यहाँ के किंग क्वीन साइजेस के हिसाब से आप यहीं से ही बेडशीट लीजिएगा। अनफॉर्चुनेटली मैं बेडशीट्स वहाँ से लाई थी और मैंने ट्रेडिशनल वेयर छोड़ दिया था, मुझे अपोजिट करना चाहिए था बट मैंने नहीं किया। सो दिस इज माय एडवाइस टू यू, अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो यू कैन कंसिडर दिस किट, जहाँ पे जिसमें बहुत सारे थ्रेड्स एंड बटन्स हैं। अभी तक मुझे इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ी है, बट आई एम श्योर मैं ये नहीं लाई होती तो मुझे पहले दिन यहाँ पे बटन टूटा हुआ होता और मुझे मैं बटन के लिए निडल ढूंढ रही होती। सो इस टाइप के किट को साथ ले आइए, बिकॉज ये मुझे यहाँ पे नहीं दिखा, मैंने मार्केट एक्सप्लोर किया, सो ऐसे ईजीली चलते ही किसी दुकान पे मुझे ये अभी तक नहीं मिला है। थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम श्योर ऑल माई फीमेल फ्रेंड्स हेयर विल थैंक मी टू मैंशन दिस इज़ वन एपिलेटर। सो एपिलेटर मैंने यहाँ आके परचेज किया एंड इट वॉज ऑफ हाफ ऑफ द प्राइस इन अमेजोन इंडिया। यहाँ पे अमेजोन नहीं चलता है, यहाँ पे एक वेबसाइट है विच इज़ कॉल्ड एज लजाड़ा, जो यहाँ पे चलती है, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, आप उसको एक्सप्लोर कीजिए, वहाँ पे आप प्राइसेस कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज लजाड़ा विल गिव यू द बेस्ट एंड चीपेस्ट प्राइसेस। बट बिलीव मी, लजाड़ा पे जो सामान आता है उसमें बहुत कम परसेंट का सामान होता है जो लोकल थाईलैंड से आता है। मोस्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टफ कम्स फ्रॉम इधर हांगकांग और चाइना और आई डोंट नो कौन से देश से लेके आते हैं, बट फिर उसकी वजह से डिलीवरी बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड लिटरली वो कस्टम एंड पूरा जो प्रोसेस है इंटरनेशनल कुरियर डिलीवरी का उतना टाइम लगता है। इस छोटी सी चीज़ को मंगाने में मुझे 28 डेज लगे थे बिकॉज ये हांगकांग से यहाँ पर डिलीवर हुई थी। सो यू कैन इमेजिन द प्राइसेस ऑल्सो, जब इंटरनेशनल डिलीवरी है सो इंटरनेशनल चार्जेस भी उसके लगते हैं। सो bring this with you because this is very cheap and if you are comfortable bring this, I will definitely advise this to you। कुछ भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस ला रहे हैं तो उसके साथ में ऐसा कनेक्टर लेके आना, बिकॉज यहाँ पे इस टाइप का पिन लगता है। आई शो यू द सॉकेट ऑल्सो इन अ वाइल। मोबाइल चार्जर्स तो नॉर्मली फिट होते हैं, लेकिन जो बड़े हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज लाइक प्रेस और आयरन, उसके लिए इस टाइप का आपको कन्वर्टर लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली द मेडिसिन, बिकॉज नॉर्मल मेडिसिन तो यहाँ के नॉर्मल स्टोर्स पे मिल जाती है, बट अदरवाइज विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन नहीं मिलेंगी। सो फिर वो लंबा प्रोसेस है छोटी सी चीज़ के लिए, डॉक्टर के पास जाओ देन प्रिस्क्रिप्शन लो देन ओनली यू विल गेट द मेडिसिन। सो अपना एक बेसिक मेडिसिन किट अपने साथ में लेके आइए, इट इज़ आई थिंक नेचुरल, ऑब्वियस यू नो इट, बट येस आई एम अगेन रेफरिंग इट टू यू। सो बस ये थी मेरी लिस्ट कि आप इंडिया से आएँ तो अपने साथ क्या लेके आएँ। अगर मैं इस लिस्ट में कुछ बोलती हूँ, अगर आपका कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस है या आप अगर किसी और कंट्री में रहते हैं वहाँ पे आपने अगर कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस करी आपको लगता है कि लेके आनी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा 2 लाख इंडियंस का देश है, यहाँ पे इंडियंस को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती, चॉइस में और प्राइस में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बट येस अब देश के बाहर आए हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ शायद कभी कभी हो जाता है, बट स्टिल आई होप ये लिस्ट, आई होप ये सारा सामान व्हाट टू ब्रिंग फ्रॉम इंडिया आपको अच्छा लगा। सो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप, और इसके अलावा मुझे बताइए कि आपको किस टाइप की वीडियोस और देखने हैं। आई एम प्लानिंग टू मेक कंटेंट व्हिच विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस एंड व्हिच विल हेल्प यू टू कम टू रिलोकेट टू सेटल डाउन इन बैंकॉक। सो मुझे ज़रूर बताइएगा, आई विल ट्राई टू मेक मोर दीज काइंड ऑफ थिंग्स फॉर यू पीपल। सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।